हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग तो बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जैसा कि हाथरस में केस चल रहा है, उसको सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं बस बोल सकती हूँ, अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि ये इस बारे में जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए। क्योंकि निर्भया केस में जो हुआ था, हमें सब कुछ पता था कि किसने किया, कैसे हुआ, सारा कुछ पता था। लेकिन फिर भी इतना टाइम खींचने की क्या ज़रूरत थी, और उनके पेरेंट्स को कितना परेशान किया गया है, कितना वो लोग पुलिस स्टेशन, कभी कोर्ट, कितना दौड़े हैं, क्यों, किस लिए। और अभी ये जो हो रहा है रिसेंटली हाथरस में, इसमें भी सेम चीज़ें वैसी हो रही हैं। तो ये कब तक चलेगा, क्यों चलेगा। तभी तो जो ये गुनाह करते हैं उनको हिम्मत आती है ये सब करने की, क्योंकि हम ही लोगों को ठहरा दिया जाता है कि हमारी गलती है। तो ये तो नहीं चलना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। और पुलिस वालों ने जो किया है वो कहाँ से ये बात ठीक है कि खुद ही जाके अंतिम संस्कार कर दिया, घर वालों को बताया भी नहीं, उनको आखिरी दर्शन भी नहीं देने दिए, जबकि घर वालों की एक ही इच्छा थी, लास्ट इच्छा थी कि वो अपने हिंदू रीति रिवाज से अपनी बेटी की विदाई करें, क्योंकि उनकी बेटी अब दोबारा तो आने वाली नहीं थी। तो वो इतना बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो ये कौन सी इतनी हड़बड़ी में, इतनी रफ्तार में जाके ये सब करने की क्या जरूरत थी। उनके घर वालों को बताया भी नहीं, और कहते हैं कि उनकी परमिशन से ये सब हुआ। अगर उनकी परमिशन से ये होता तो फिर वो जो चाहते हैं वो वैसा करते ना, ऐसे थोड़ी ना करते कि पुलिस वाले वो खुद ही चाह के अंतिम संस्कार कर दे। कोई भी रीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक आखिरी दर्शन तो देना चाहिए ना। अब उनकी बेटी तो दोबारा आने वाली नहीं है, तो इतना तो करना ही चाहिए था। तो ये कहाँ का रूल है कि आखिरी दर्शन भी नहीं दिया जाता है, ऐसा कैसे ये लोग कर सकते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि निर्भया केस में जो इतना लंबा केस चला है, जबकि हमको सारा कुछ पता था, तब भी इतना लंबा खींचा गया है, तो वो इस केस में बिल्कुल भी ना खींचा जाए। जल्द से जल्द रिजल्ट आए, जल्द से जल्द उन लोगों को पनिशमेंट मिले, और ऐसी पनिशमेंट मिले जो कि कोई और दोबारा करने में 10 बार सोचे। ये बात जो है वो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि 2-4 महीने के बाद फिर से हमें ये बात सुनने में आ जाती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है। तो ऐसा हमारा जो सिस्टम लॉ है वो इतना स्लो क्यों है, जब हमें ये सारा कुछ पता रहता है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता जल्द से जल्द, जल्द से जल्द क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। जल्द से जल्द इस केस में जो है कार्रवाई हो, रिजल्ट आए, और जल्दी से उन अपराधियों को जो है वो सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा। जल्द से जल्द इस केस में जो है कार्रवाई हो, रिजल्ट आए, और जल्दी से उन अपराधियों को जो है वो सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब देर नहीं करना चाहिए सरकार को, सिस्टम को, लॉ को।